आज हम आपको बस्तर दशहरा में दिखाएंगे जोगी मिठाई का रस्म किस प्रकार से होता है। एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। एंड अभी जस्ट हम लोग हैं दोस्तों सिरासार भवन के सामने। एंड पीछे माता मावली का जो मंदिर है वो पीछे है, और अभी हम लोग पूरा आपको दिखाएंगे। अभी तो स्टार्ट होने वाला है, अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं। तो पूरा कार्यक्रम आज का जो जोगी मिठाई रस्म का जो मतलब जो भी यहाँ पे विधि विधान चलेगा, रस्म चलेगा, वो सब आपको आज दिखाएंगे। तो बस बने रहिएगा। एंड जस्ट सामने हम लोग अभी पहुंचे हैं, एंड अभी जो है स्टार्ट होने वाला है पूरा रस्म, वो आपको दिखाएंगे। एंड पूजा उजा होगा, उसके बाद जो है यहाँ से निकाल करके जो है यहाँ पे लाके बिठाएंगे। तो बने रहिएगा, पूरा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे जोगी मिठाई का रस्म होता है, सब पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो रस्म है वो अभी होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं। एंड इधर देखो तो इधर भैया लोग भी मिल गए, राजू भैया लोग सब लोग इधर हैं। और अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं गाइस, और अभी यहीं पे होने वाला है कार्यक्रम। तो इधर देख सकते हो पूरा इस प्रकार से है, और यहाँ पे जो है न्यू रथ का जो निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है, ये देखो, और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो देखते हैं। जोगी मिठाई कार्यक्रम रखा जाएगा, और यहीं पे जो है बैठेंगे वो, आपको दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हो इस प्रकार से बनाया गया है यहाँ पे, और यहीं पे जो है अभी जोगी मिठाई का रस्म जो है यहाँ पे संपन्न होने वाला है। तो जैसे कि देख सकते हो इस प्रकार से बनाया जाता है, और हर साल यहाँ पे आज के दिन जोगी बिठाया जाता है, आप लोग देख सकते हो। अभी जो है हम लोग आपको लेके आए हैं मावली माता का मंदिर। अभी अंदर में ही जोगी बैठे हुए हैं, यहाँ से जो है सेवा यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद जो है यहाँ से निकल करके जो सिरासार भवन है वहाँ पर जो है जाकर के जोगी बिठाने का जो रस्म है वो किया जाएगा। अभी देख सकते हो दर्शन कर रहे हैं, एंड उसके बाद अब निकल चुके हैं जोगी, और यहाँ से जो है पर्दा ढक करके जो है इनको लेके जाते हैं। और जस्ट उसके सामने जो है सिरासार भवन है जहाँ पे जोगी मिठाई का रस्म पूरा किया जाता है, और इस प्रकार से जो है ले जाया जाता है अंदर में। राजा पुरुषोत्तम देव के समय से पहले महाराजा लोग तप करते थे, बस्तर दशहरा निर्विघ्न हो, हमारा प्रजा अच्छा रहे, हमारा राज अच्छा रहे, उसके नाम से। लेकिन हमारे पुरुषोत्तम देव महाराजा जगन्नाथपुरी गए, और वहाँ से 1,00,000 स्वर्ण का मुद्रा भगवान जगन्नाथ में मैंने अर्पण किए। तो वहाँ से स्वप्न में पुजारी को आया जगन्नाथ भगवान, और बोला कि आज से बस्तर में, बस्तर के राजा और बस्तर में ये पुरुषोत्तम देव रथपति होंगे, और उसी दिन से रथ यहाँ चलता है, परिक्रमा होता है रथ में। और उस तप जो करते थे वो तो कितना समय वो तप करेगा और कितना समय वो रथ में बैठेगा, इस कारण ये जोगी को संकल्प करके या तपस्या करने के लिए इसका जो पहले करते थे देवी आराध्य तप जप, तो उस विधि विधान को योगी को सौंप दिए, और उस नियम को गलत करने से योगी माने वो तो मरना ही है लेकिन अल्पकाल हो जाते हैं, योगी का अनिष्ट होता है। तो उस नियम को हम राजा का भार भोजा को पहले से सन 1414 ईस्वी में 600 साल से बो के आ रहे हैं, आज तक भी कर रहे हैं, यही है हमारा जो नियम। हेलो, तो इस प्रकार से जो है पूरी विधि विधान के साथ जो है जोगी मिठाई रस्म को पूरा किया जाता है, और बैठने के बाद जो है यहाँ पे वो भी पूजा उजा करते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हो।
और इधर जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो ना, ये जो सिरासार भवन में डेरा लगाए बैठे हैं, यही लोग जो है अभी रथ निर्माण कार्य कर रहे हैं और इन्हीं के द्वारा जो है रथ बनाया जा रहा है। वो लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, कोई आराम कर रहे हैं, कोई रेस्ट कर रहे हैं, देख सकते हो सभी लोग हैं। एंड गाइस देख सकते हो इधर कितना ज़बरदस्त नज़ारा दिखने को मिल रहा है। ये जो है भाई राजा का महल है अंदर में, तो उसको किस प्रकार से सजाया गया है। वैसे तो हर साल इसी प्रकार से सजाया जाता है एंड पूरा देख सकते हो पूरा कलरफुल दिख रहा है भाई, क्या ही बोले, जबरदस्त। इधर देखो तो दोस्तों जितने भी पैदल यात्री लोग आते हैं यहाँ पे माँ दंतेश्वरी का जो है यहाँ पे माथा टेकते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रसाद वरसाद खाते हैं इधर, एंड उसके बाद जो है यहाँ से निकलते हैं, ये देख सकते हो। और बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और रात में आओ तो भाई यहाँ का खूबसूरती देखने लायक रहता है, देख सकते हो। एंड और ये रथ के पास आए हैं एंड इधर देख सकते हो पूरा रथ बन रहा है एंड रथ के पास मैं अभी हूँ, तो इसके बाद अभी हम लोग निकलेंगे। गाइस आज का वीडियो इतना ही था एंड आज सिर्फ जोगी मिठाई का रस्म था जो कि आप देख लिए हो। अगर कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं एंड मिलते हैं कल, क्या परिक्रमा होगा कल, क्या विधि विधान होगा वो आपको कल देखने को मिलेगा। तो इधर देख सकते हो ये रथ बनना चालू हो चुका है, इसका हम सुबह प्रॉपर वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसा टाइप का रथ बनता है और कहाँ से बनता है, क्या है इसका, सब कुछ आपको कल देखने को मिलेगा। आज जोगी मिठाई का रस्म था वो कवर कर चुके हैं और आज का जो वीडियो था वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।